गिविन क्वेश्चन में हमारे पास नंबर पेयर्स हैं 28 एंड 18, नेक्स्ट है 19 एंड 12, नेक्स्ट नंबर पेयर है 100 एंड 90 और लास्ट नंबर पेयर है 36 एंड 26। इनमें हमें देखना है इस तरह का डिफरेंस जो कि थ्री नंबर पेयर्स में सेम है लेकिन फोर्थ में वह डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ हम देखें 28 और 18, यहाँ पर डिफरेंस है 10 का। 19 और 12 में हम देखें तो डिफरेंस है 7 का। इसी तरह हम देखें 100 और 90, यहाँ पर भी इनके बीच में जो नंबर पेयर में डिफरेंस है वह है 10 का। और इसी तरह से हम देखें 36 और 26, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वह है 10 का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो नंबर पेयर्स हमें दिए गए हैं इनमें तीन नंबर पेयर ऐसे हैं जिनमें जो डिफरेंस है वह -10 है, यानी 10 का डिफरेंस है, जबकि 19 और 12 जो नंबर पेयर है यहाँ पर जो डिफरेंस है वह -7 का है। तो हम कह सकते हैं कि 19 और 12 जो नंबर पेयर है वह डिफरेंट है बाकी सभी नंबर पेयर से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए 19 एंड 12। गिवन क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस हैं 38 एंड 4, नेक्स्ट है 42 एंड 6, नेक्स्ट है 22 एंड 2 एंड लास्ट नंबर पेयर है 15 एंड 5। इन नंबर्स में हमें देखनी है इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि तीन नंबर पेयर्स में तो सेम है लेकिन फोर्थ नंबर पेयर ऐसा है जिसमें वो प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अलग है। तो फर्स्ट हम देखें 42 एंड 6 को, यहाँ पर हम देखेंगे 6 से 42 को हम पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं 7 टाइम्स। इसी तरह हम देखें 22 एंड 2 में तो 2 से हम 22 को डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से 11 टाइम्स। इसी तरह हम देखें 15 एंड 5, यहाँ पर 5 से हम 15 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स। यानी इन तीन नंबर पेयर्स में हम यदि ध्यान से देखें तो जो लास्ट नंबर है वह फर्स्ट नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देता है, लेकिन यदि हम देखें 38 एंड 4 तो यहाँ पर 4 से हम 38 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते और इसीलिए 38 एंड 4 जो नंबर पेयर है वह डिफरेंट है बाकी तीनों नंबर पेयर से। तो इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए 38 एंड 4।